गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पिछले वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग टेस्टिस के बारे में पढ़े थे और उसके बाद उसमें जो भी उनके सहायक जनन अंग थे उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग उसके आगे हम लोग पढ़ाई को आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे पेनिस का, ठीक है। पेनिस या जिसको हम लोग शीशम भी बोलते हैं हिंदी में, पेनिस एक्चुअली क्या होता है? देखिए पेनिस जो होता है मेल का, यह एक कॉपुलेटरी ऑर्गेन होता है। पेनिस प्रत्येक मेल में पेनिस की जो संख्या होती है वो एक होती है। ये मांसल रचना होती है, इरेक्टाइल होती है, सीधा रचना होती है, मांसल होती है, मांसपेशी की बनी होती है, केवल मसल्स की बनी होती है। इसमें कोई भी बोन या कोई भी हड्डी इसमें नहीं पाए जाते, ठीक है। प्रत्येक ह्यूमन मेल में इसकी संख्या एक होती है, जो कि स्क्रॉटम जो होते हैं उस स्क्रॉटम के ठीक सामने में ये पाया जाता है। पेनिस को हम लोग कॉपुलेटरी ऑर्गेन भी कहते हैं या इसको हम लोग हिंदी में मैथुन अंग कहते हैं। एक्चुअली पेनिस का सबसे बड़ा काम यह होता है कि पेनिस इंटरकोर्स के समय, सेक्स के समय मेल के सीमन को फीमेल के वेजाइना में पहुंचा देती है, ठीक है। तो पेनिस क्या हो गया भाई, एक प्रकार के कॉपुलेटरी ऑर्गेन हुआ, यानी मैथुन अंग हुआ, ठीक। पेनिस इसके अलावा पेनिस में एक छिद्र भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूरिनो जेनाइटल अपर्चर। उस यूरिनो जेनाइटल अपर्चर से मूत्र या यूरिन बाहर निकलता है और सीमन भी वहां से इजैक्यूलेट होती और अगर इंटरकोर्स किया जाए तो उस समय जो सीमन फीमेल के वेजाइना में जो प्रवेश करती है वो प्रवेश एक्चुअली यही पेनिस कराती है। यानी ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि भाई आपको हम ये बताए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो इसमें क्या होता है, मेल अलग है फीमेल अलग, और ह्यूमन में तो मेल बॉडी अलग होती है फीमेल बॉडी अलग होती है। अब सवाल होता है कि जब तक कि मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे से जब तक फ्यूजन नहीं करेगा, एक दूसरे से फ्यूजन जब तक नहीं करेगा, संलयन नहीं करेगा, तब तक जायगोट का निर्माण नहीं होगा, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब सवाल यह होता है मेल गैमेट जो होते हैं वो मेल गैमेट मेल के बॉडी में बनता है, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये जो है ये मेल बॉडी है और ये फीमेल बॉडी है, अब दोनों ये क्या हो गया भाई, इसको हम लोग क्या मान लिए मेल, इसको हम लोग क्या मान लिए फीमेल मान लिए। तो मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है वो किसमें होता है, इस मेल में होता है, यहां बना मेल गैमेट। फीमेल बॉडी में क्या होगा भाई, फीमेल बॉडी में यहां पे क्या बनता है, तो यहां पे ओवम बनता है, फीमेल गैमेट बनता है, ये स्पर्म जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, मेल गैमेट कहते हैं। अब ये दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब एक दूसरे से फ्यूजन करते हैं या जब संलयन करते हैं तब जायगोट का निर्माण होता है। अब सवाल ये होता है कि ये बॉडी अलग है ये बॉडी अलग है, तो जब तक कि मेल और फीमेल दोनों गैमेट किसी एक जगह पर अगर नहीं आ जाता है तब तक ये एक दूसरे से संलयन नहीं कर पाएगा, एक दूसरे से ये फ्यूजन नहीं कर पाएगा, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जायगोट नहीं बनेगा। सवाल ये होता है कि किसका गैमेट कहां पे मिलेगा, तो एक बात ये साफ है हमेशा फीमेल बॉडी में ही मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे से फ्यूजन करेगा। फीमेल के जो फैलोपियन ट्यूब होते हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, फीमेल का जो फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब होती है उस फैलोपियन ट्यूब में एक जगह होती है जिसको हम लोग एम्प्यूला बोलते हैं। फीमेल का फैलोपियन ट्यूब जो होती है जैसे इस तरह का लंबा होता है, तो यहाँ ओवरी होता है, मतलब ये यूटेरस है, यहाँ ओवरी होता है, इससे ओवम निकलता है, ये फैलोपियन ट्यूब। तो इस फैलोपियन ट्यूब में फीमेल का इस ओवरी से ओवम निकल के आ जाता है फीमेल गैमेट। अब मेल गैमेट को भी यहीं पर आना, यानी फीमेल के बॉडी में। अब सवाल होता है कि फीमेल के बॉडी में मेल गैमेट कौन पहुंचाएगा,
यानी स्पर्म को फीमेल के बॉडी में कौन पहुंचाएगा? तो देखिए, स्पर्म को फीमेल के बॉडी में पहुंचाने के लिए वो होता है पेनिस। ठीक है, तो यहां पर हम कुछ बात लिखे हुए हैं, आइए हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहले देखिए, यहां लिखा हुआ है मेल पेनिस जो है मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गेन होता है। कॉपुलेटरी ऑर्गेन मतलब हिंदी में इसको हम लोग मैथुन अंग बोलते हैं, यानी ऐसा हम लोग बोल सकते हैं पेनिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सीमन और स्पर्म फ्रॉम मेल बॉडी इनटू द वेजाइना ऑफ फीमेल। ठीक है, ये मतलब सीमन को या स्पर्म को ढोने का काम करता है। पेनिस स्क्रोटम के सामने लटका रहता है। हम लोग जानते हैं भाई स्क्रोटम, जो कि आपको हम बताए थे कि यह एक प्रकार का पाउच होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक खोखला रचना जिसमें क्या होता है भाई, जिसमें टेस्टिस होते हैं। तो स्क्रोटम में टेस्टिस होते हैं, ये हम लोग को पता है। उसी स्क्रोटम के आगे में ये पेनिस पाए जाते हैं जो लटका रहता है। पेनिस सीधा एवं मांसल होती है। ठीक है, ये पेनिस जो होते हैं एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, मांसपेशियों की ये बनी होती है। देयर आर नो एनी बोन फाउंड इन पेनिस, यानी पेनिस में कोई भी बोन नहीं होते। ठीक है, पेनिस यूरिनो जेनाइटल अपर्चर के पास, पेनिस के यूरिनो जेनाइटल अपर्चर के पास बहुत अधिक सेंसिटिव पार्ट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं भाई, ग्लांस पेनिस करते हैं, यानी पेनिस का जो एक सिरा होता है वहां पर थोड़ा सा फुला हुआ टाइप का रचना होता है, वहां के जो मसल्स होते हैं वो काफी सेंसिटिव होते हैं, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, उस मसल्स को अगर छुआ जाए काफी सेंसिटिविटी का पता चलता है। तो वो वाला जो पार्ट होता है, जो कि थोड़ा सा फुला हुआ भाग होता है, हल्का सा जो सेंसिटिव पार्ट होता है, वो मसल्स लाइक स्ट्रक्चर जो कि सेंसिटिव पार्ट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, उसको हम लोग ग्लांस पेनिस कहते हैं। इसी ग्लांस पेनिस के पास छिद्र होती है जिससे कि मूत्र या यूरिन जो होती है वो बाहर निकलती है। ठीक है, तो ग्लांस ये याद रखना हम लोग को, ग्लांस पेनिस जो होते हैं ये बहुत ही क्या होते हैं भाई, सेंसिटिव पार्ट होते हैं, बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। उसके बाद हम लोग बात करें, पेनिस में तीन मांसल रचना होती है, तीन यानी कि पेनिस में तीन मस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें से दो को हम लोग कहते हैं कॉर्पोरा केवर्नोसा, दो को क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा केवर्नोसा कहा जाता है, और एक जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं। ठीक है, दो को कॉर्पोरा केवर्नोसा कहते हैं और एक को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं। पेनिस सीमन को सेक्स करने के समय फीमेल के वेजाइना में प्रवेश करता है। पेनिस जो होता है सीमन, ठीक है, अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं सीमन होता क्या है। हालांकि हम पिछले वीडियो में बताया भी था आप लोग को कि मेल में जितने एसेसरी जेनाइटल ग्लैंड होते हैं, तो एसेसरी जेनाइटल ग्लैंड हम आपको बताए थे, उसमें जैसे सेमिनल वेसिकल आते हैं, उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड आते हैं, उसमें बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड भी कहा जाता है। ये सारे चीज का जो सेक्रेटरी फ्लूड होते हैं या सेक्रेटरी सब्सटेंस होते हैं और स्पर्म, ये सबको अगर मिला दिया जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीमन बोलते हैं। ओके, ये फिर हम आगे आपको अभी बताने वाले हैं कि सीमन एक्चुअली कौन कौन से पदार्थ और कितने प्रतिशत मात्रा में मिलके ये बनता है। तो पेनिस जो है सीमन को कब सेक्स करने के समय फीमेल के वेजाइना में क्या करता है भाई, प्रवेश करता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं भाई कि पेनिस जो होते हैं, पेनिस दो चीज को कैरी करता है, एक तो ये सीमन को कैरी करता है और दूसरा ये मूत्र को बाहर निकालता है। ठीक है, मतलब पेनिस के अंदर जो यूरेथ्रा वाले भाग होते हैं उसी से ये एक्चुअली चलता है। बट पेनिस जो होता है ये सेक्स के समय इंटर करता है फीमेल के वेजाइना में और फिर यूरिनो जेनाइटल अपर्चर से सीमन क्या होता है वो मतलब एक्सपेल बाहर निकलती है, इजेक्युलेट इसको हम लोग कहते हैं, जब इजेक्युलेट हो जाती है तो ये फीमेल के वेजाइना में प्रवेश करती है और उसी फीमेल के वेजाइना से होता हुआ फिर ये चला जाएगा यूटेरस में और वहां से फिर ये इस फैल
फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म जो होते हैं वो आ जाते हैं। ओके, यहां पर हम लोग पेनिस का टीएस काटे हम लोग, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस, पेनिस का ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। आइए हम लोग देखते हैं भाई इसमें क्या क्या है। देखिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर दो चीज हमेशा याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर हम बताया थे कि यहाँ पर थ्री मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, तीन मांसल रचना होती है। इसमें से देखिए यहाँ पर ये जो दो मांसल रचना है इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा बोला जाता है। और यहाँ पर जो एक मांसल रचना है इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये हो गया कॉर्पोरा कैवर्नोसा और ये हो गया कॉर्पस स्पॉन्जियोसम हो गया, ठीक है। यहां पर देखिए ये एक पेनाइक यूरेथ्रा है, आपको बताए थे यूरेथ्रा में कई, आपको चार प्रकार के यूरेथ्रा बताए थे। एक तो यूरिनरी ब्लैडर के ठीक थोड़ा सा नीचे, फिर एक प्रोस्टेट वाले भाग में, फिर एक मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा था, और पेनिस वाले भाग में जो यूरेथ्रा था, यूरेथ्रा का काम क्या था, यूरेथ्रा का काम था मूत्र को कैरी करना। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और जो पेनाइल यूरेथ्रा होती है, पेनाइल यूरेथ्रा वो यूरेथ्रा जो कि पेनिस वाले भाग में पाया जाता है, ये दोनों यूरेथ्रा सीमन को और मूत्र को दोनों को ढोता है। तो वो यहां से ये है जो इधर से बाहर निकलेगा, ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो दो मांसल रचना जो है इसको हम लोग कॉर्पोरा कैवर्नोसा बोलते हैं, और एक जो है जिसको हम लोग कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया इसका स्किन। अब देखिए पेनिस में आर्टरी और वेन, ये हम लोग जानते हैं भाई कि हम लोग का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, तो उसमें आर्टरी होते हैं, वेन होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होती है, तो यानी ब्लड वेसल्स जो होते हैं इसको हम लोग तीन भाग में मुख्य रूप से बांटते हैं। एक जो होता है वेन होता है, जिसको हम लोग जानते हैं अक्सर वेन जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इम्प्योर ब्लड, यानी बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी करता है। और अधिकतर आर्टरी जो होते हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड, या उसको हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीजन वाला ब्लड, उसको कैरी करता है। पेनिस में ब्लड सर्कुलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, क्योंकि पेनिस को इरेक्टाइल होने के लिए सर्कुलेशन जो होती है उनकी थोड़ा सा तेज होती है। तो यहां पर हम लोग ये सीखे कि प्रत्येक ह्यूमन मेल में एक पेनिस होता है, नंबर एक बात याद रखना हम लोग को, ये पेनिस स्क्रोटम के बाहर होता है या स्क्रोटम के पास आगे की ओर लटका रहता है, ये सीधा इरेक्टाइल रचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, केवल मांसपेशी यानी केवल मसल्स की बनी होती है, इसमें तीन मांसल स्ट्रक्चर होती है, दो को कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एक को कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहा जाता है। पेनिस सीमन को क्या करती है वह कॉपुलेशन के समय या कॉपुलेशन के द्वारा ये मेल से कहां भेज देती है, फीमेल के वेजाइना में भेज देती है, ठीक है। आइए हम लोग आगे वाला टॉपिक पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग जो है कितना पहले आप लोग जो है इनको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। हम लोग देखिए हम लोग जो पढ़े अभी तक पेनिस वगैरह सब पढ़ लिए हैं, अब हम लोग आ रहे हैं कुछ ग्लैंड पर, ठीक है। आपको हम बताए थे जो ह्यूमन मेल होते हैं मेल में कुछ एसेसरी जेनिटल ग्लैंड पाए जाते हैं, यानी नर में कुछ ग्रंथियां होती है जिसको हम लोग कहते हैं नर सहायक जनन ग्रंथि। तो नर सहायक जनन ग्रंथि जो है वो कई तरह के होते हैं, तो सबसे पहला नंबर हम लोग का है सेमिनल वेसिकल, यहाँ लिख दिया गया है मेल एसेसरी जेनिटल ग्लैंड नर सहायक जनन ग्रंथि। सवाल ये होता है कि यह ग्रंथि क्या करता होगा, कोई भी मतलब के मेल में क्यों जरूरत पड़ा नर सहायक जनन ग्रंथि का। देखिए ग्रंथि है, ग्लैंड है, तो इससे कुछ ना कुछ जो सब्सटेंस होते हैं, जो फ्लूड होते हैं वो निकलते हैं, ठीक है। और ये काम करता है कई तरह से, ये काम करता है मतलब रिप्रोडक्टिव मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथियां है, तीन प्रकार के ग्रंथियां हम लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहला जो सेमिनल वेसिकल है इससे भी कुछ तरल पदार्थ निकलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड से भी तरल पदार्थ निकलते हैं,
बल्बर तरल ग्लैंड या कॉर्पस ग्लैंड से भी तरल पदार्थ निकलते हैं। ये तरल पदार्थ क्या करता होगा? ये तरल पदार्थ जरूरी है स्पर्म को एक्टिव करने में, या स्पर्म जो चलता है यूरेथ्रा से होता हुआ। तो अब देखिए, यूरेथ्रा से होता हुआ जब ये चलेगा तो यूरेथ्रा में हमेशा मूत्र कुछ ना कुछ भाग पाए जाते हैं। अब मूत्र जो होता है वो हाईली एसिडिक होते, मतलब के एसिडिक मीडियम में होती है, अम्लीय माध्यम में होती है। अगर उधर से शुक्राणु पास करता है तो वो शुक्राणु को क्या करेगा भाई, नष्ट कर देगा। तो अब क्या करना पड़ेगा? तो इसका मतलब ये है कि यूरेथ्रा जो यूरेथ्रा में जो यूरिन का कुछ भाग है जो एसिडिक मीडियम में है उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर हम लोग उसमें कुछ क्षारीय माध्यम डाल दें, कुछ अल्कलाइन मीडियम उसमें अगर डालें, तो वो क्या होगा, एसिडिक मीडियम कम हो जाएगा, यानी वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होगा। तब अगर स्पर्म पास करता है तो वो नष्ट होने से बच जाएगा। तो अब उसको न्यूट्रलाइज, यानी एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पदार्थ कौन सा होगा, कहां से आएगा? तो ये पदार्थ जो है, जो ग्लैंड होते हैं इसको हम लोग मेल एसेसरी जेनिटल ग्लैंड कहते हैं, नर सहायक जनन ग्रंथि कहते हैं। तो इस ग्रंथि से अल्कलाइन फ्लूड निकलते हैं, कुछ सेमिनल वेजिकल्स से निकलते हैं, कुछ प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलते हैं, कुछ बल्बोथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड से निकलते हैं। इसलिए कई तरह के ग्लैंड की जरूरत भी है, ठीक है, स्पर्म को एक्टिव भी किया जाता है, इसीलिए ग्लैंड की जरूरत पड़ी। तो आइए सबसे पहले सेमिनल वेजिकल की बात करते हैं। आपको हम फिगर में बताए थे कि भाई सेमिनल वेजिकल जो होते हैं, वास डिफरेंस जो उधर से आता है वहीं पर से, एक आपको हम यहाँ बताए थे इस तरह से कि भाई अगर ये जो है यूरिनरी ब्लैडर है, इस तरीके से हम लोग वास डिफरेंस को लेके गए थे। और यहाँ पे हम आपको बताए थे यहाँ से, तो ये यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा है, ये। तो यहां पर आपको बताए थे इस तरीके से ये रहता है, जिसको हम लोग क्या बोले थे, सेमिनल वेजिकल। इसकी संख्या प्रत्येक ह्यूमन मेल में दो होती, एक इधर होता है, मतलब एक राइट साइड होता है और एक लेफ्ट साइड, इधर भी होता है। तो प्रत्येक ह्यूमन मेल में एक जोड़े क्या पाए जाते हैं, सेमिनल वेजिकल होते हैं। यह है सेमिनल वेजिकल, यहां भी है और यहां भी सेमिनल वेजिकल। यहां पर लिख दिया गया है इसकी संख्या क्या होती है भाई, सबसे पहले एक जोड़े होती है। अब ये सेमिनल वेजिकल से, अब देखिए यहां पर अगर आपको हम ये बताए थे कि ये जो है ये इस तरह से है, मान लेते हैं चलिए ये कैसे, और ये टेस्टिस है, तो ये इस तरह से गया था, इस तरह से, तो यहां से ये टेस्टिस है, तो यहां से क्या होगा, स्पर्म आएगा, और ये स्पर्म इस तरीके से जो आएगा, ये स्पर्म इस तरीके से वास डिफरेंस से होता हुआ यहां प्रवेश करेगा, और यहां पर भी प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, यहां प्रोस्टेट ग्लैंड है, फिर यहां पे एक बल्बोथ्रल ग्लैंड होता है, खैर, तो ये इस तरह से ये। अब यहां से देखिए ये इस यहां ये क्या है, यहां यूरिन है, मूत्र है, तो ये मूत्र जो है इधर से निकलते रहता है, तो ये जो इसको क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। तो जब इसमें मूत्र हमेशा निकलते रहता है तो मूत्र में क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उस क्या होगा, वो अम्लीय हो जाएगा, होगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर ये स्पर्म इधर से पास करता है तो क्या होगा, वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहां पर से ये जो स्पर्म आता है यहाँ पे, तो ये सेमिनल वेजिकल इधर भी है और इधर भी है, तो एक जोड़े हो गए सेमिनल वेजिकल की संख्या। ये अब इसी सेमिनल वेजिकल से तरल पदार्थ निकलता है, और ये तरल पदार्थ में ये शुक्राणु, ये स्पर्म क्या होता है भाई, मिल जाता है। तो ये तरल पदार्थ कहां आती है, इस यूरेथ्रा में आती है, ठीक है। तो ये जो तरल पदार्थ है, ये जो सेमिनल वेजिकल से जो तरल पदार्थ निकला, ये होती है अल्कलाइन मीडियम, यानी किस मीडियम में होती है, ये क्षारीय माध्यम में होती है। अब ये जब ये यहां पर जब आती है तो यहां जो एसिडिक इन्वायरमेंट है इसको क्या कर देगा भाई, न्यूट्रलाइज कर देगा। जब इसको न्यूट्रलाइज करेगा अब स्पर्म को कोई दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है, और थोड़ा स्पर्म एक्टिव भी हो जाता है, ठीक है। तो ये स्पर्म यहां पर आता है और यहां पर जो एसिडिक इन्वायरमेंट थे यूरेथ्रा का,
वो एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज कर देता है। कौन? सेमिनल वेजिकल से निकले हुए जो तरल पदार्थ हैं, जिसको हम लोग सेमिनल फ्लूइड कहते हैं, या सेमिनल वेजिकल से निकले हुए तरल पदार्थ कह सकते हैं। वो तरल पदार्थ एक्चुअली केमिकली क्या होता है, वो अल्कलाइन होती है, यानी क्षारीय माध्यम में होती है। तो यहां पहले एसिड था, इसमें क्षार मिलेगा तो ये न्यूट्रलाइज होगा, ठीक है। तो ना तो अल्कलाइन स्ट्रांग होगा, ना तो फिर यहाँ एसिड स्ट्रांग होगा, न्यूट्रलाइज होगा, यानी कि स्पर्म जो होते हैं वो नष्ट नहीं होगा। ओके, समझ रहे? तो आइए, अब बात ये आती है, ये जो सेमिनल वेजिकल से जो तरल पदार्थ निकलते हैं, जिसको हम लोग सेमिनल फ्लूइड कहते हैं, या सेमिनल वेजिकल से निकले हुए तरल पदार्थ कहते हैं, इसमें क्या क्या रहता है? तो केमिकल कंपोजिशन की अगर हम लोग बात करें सेमिनल फ्लूइड की, तो यहाँ पे बहुत सारे चीज है। इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन है, फ्रुक्टोज है, क्लॉटिंग प्रोटीन है, इसमें सिट्रेट होते हैं, और इनोसिटॉल होते हैं, ठीक है। तो ये सब सारे पदार्थ, ये किसका किसका बना हुआ केमिकली? प्रोस्टाग्लैंडिन, फ्रुक्टोज, क्लॉटिंग प्रोटीन, सिट्रेट एंड इनोसिटॉल, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन यानी कि ये सब मिल करके, ये सब मिल करके क्या बनाता है? सेमिनल फ्लूइड बनाता है, यानी सेमिनल वेजिकल से जो वो तरल पदार्थ निकलते हैं, वो तरल पदार्थ एक्चुअली यही सब चीज का बना होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन को स्टिम्युलेट करता है। ये बात नहीं समझ में आया होगा, देखिए इसका आप क्या मकसद है बोलने, इसका मकसद बोलने का ये है, देखिए ये जो होते हैं, ये देखिए ये यूटेरस होते हैं, ये क्या होते हैं भाई, ये यूटेरस है, और ये जो यूटेरस है यहां पर क्या रहता है, इस तरह से ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी है, और ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब है। चलिए इसे एक रफ समझने के लिए हम लोग बना रहे हैं, ये फैलोपियन ट्यूब है, और यहां से इस तरह से जुड़ा हुआ है, यहां से ओवम यहां पर आता है, ठीक है, और यहां जो है, ये वेजाइना, ये सर्विक्स तो होता है, और फिर सर्विक्स के बाद ये वेजाइना मान लेते हैं, चलिए ये वेजाइनल ओपनिंग। तो होता क्या है कि सीमन जो आते हैं वो इस वेजाइना में आ जाते हैं, यहां पर वेजाइना में, अब यहां से स्पर्म क्या होता है, आगे की ओर मूव करता है, ठीक है, और मूव करके कहां आएगा स्पर्म भाई, यहां पर आएगा। तो यहां से मूव करके स्पर्म शुरुआत में अपने से ये मूवमेंट नहीं कर पाता है, हालांकि जब ये वेजाइना से स्पर्म कुछ दूरी तय कर लेगा, तब ये खुद अपने टेल जो इसमें होते हैं उनके द्वारा, उनकी सहायता से ये क्या करेगा भाई, मूवमेंट कर लेता है। लेकिन इनिशियली शुरुआत में, प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है कि ये जो यूटेरस है, ये यूटेरस में कॉन्ट्रेक्शन होना चाहिए, ठीक है, ये यूटेरस में क्या होती है, कॉन्ट्रेक्शन होती है, और ये यूटेरस जब कॉन्ट्रेक्शन होती है तब ये स्पर्म मूव करता है, और मूव करता है तो कहां जाएगा मूव करके, किधर की ओर, फैलोपियन ट्यूब की ओर, कहां पे, फैलोपियन ट्यूब के उस स्थान पर जाएगी, एम्पिरा वाले भाग में जहां पर ओवम होगा पहले से, ठीक है। अगर होगा ओवम तो वहां पर क्या होगा भाई, फर्टिलाइजेशन होगा, और अगर ओवम नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि फीमेल गैमेट एब्सेंट होगा। तो ऐसे केस में कहने का मतलब यह है कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, अब इंटरकोर्स के समय, सेक्स समय, मैथुन के समय, ये जो सीमन यहां पर आता है, तो सीमन में कौन है, सीमन में स्पर्म भी रहता है, सीमन में आपका सेमिनल फ्लूइड भी है, सीमन में प्रोस्टेट ग्लैंड से निकले हुए पदार्थ भी, तरल पदार्थ भी है, कॉपस ग्लैंड से भी निकले हुए तरल पदार्थ है। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, ये जो यूटेराइन वॉल है, ये जो यूटेरस है, इसमें कॉन्ट्रेक्शन, संकुचन पैदा करती है ऐसे, जिसके कारण ये स्पर्म क्या होगा भाई, आगे की ओर मूव करेगा। ओके, तो प्रोस्टाग्लैंडिन यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन, यानी कि ये जो गर्भाशय है इसके कॉन्ट्रेक्शन को स्टिमुलेट करती है, यानी क्या करती है, उत्तेजित करती है कि आप कॉन्ट्रेक्शन उसको कीजिए, आप संकुचित होइए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात किया जाए, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज स्पर्म के लिए एनर्जी का सोर्स होती है, ठीक है, फ्रुक्टोज एक एनर्जी का सोर्स है, इस पर साधारण शब्द है। क्लॉटिंग प्रोटीन सीमन को इजेकुलेशन के बाद कोगुलेट करती है, क्या मतलब,
ये देखिए इजाकुलेशन हम लोग किसको कहते हैं, इजाकुलेशन कहते हैं व्हेन सीमन इज डिस्चार्ज फ्रॉम मेल पेनिस ओके एंड रीच इनटू द वजाइना ऑफ फीमेल, दिस प्रोसेस इज नॉन एज इजाकुलेशन। यानी कि सेक्स के समय क्या होता है कि फीमेल मेल का जो स्पर्म है सॉरी सीमन जो है वो इस वजाइना में चला आता है। जैसे पेनिस से सीमन डिस्चार्ज हुआ यानी पेनिस से सीमन बाहर निकला वीर्य बाहर निकला तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इजाकुलेशन कहते हैं। इजाकुलेशन होकर के यानी बाहर निकल करके ये सीमन कहां जाए, ये सीमन फीमेल के वजाइना में जाए। तो इसके बाद इजाकुलेशन के बाद ठीक है यानी जब यहां पर सीमन आ गया तब तो ये जो क्लॉटिंग प्रोटीन है ये इसको क्या करती है भाई, कॉगुलेट करती है। यानी कि थोड़ा सा इसको मतलब कि क्या करती है, थक्का बनाती है, जमाती एक तरह से थक्का बनाने की काम करती है, उसमें ये क्लॉटिंग प्रोटीन हेल्प करती है। सेमिनल फ्लूड अल्कलाइन, ये बात पहले कर चुके हैं कि सेमिनल फ्लूड जो होते हैं वो क्षारीय माध्यम में होती है यानी वो अल्कलाइन फ्लूड होती है ठीक है, क्षारीय माध्यम में होती है, ये क्षारीय नेचर है इसका, जो कि मेल यूरेथ्रा के एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करता है, इसकी बात हम कर चुके हैं। सेमिनल फ्लूइड सीमन का 60% भाग यानी 60% भाग बनाता है, 60% भाग यानी कि सीमन अभी हम लोग जानेंगे सीमन, सीमन का जो 60% भाग है उसमें जो है कौन होता है, वह सेमिनल फ्लूइड होते हैं ओके। अब देखिए एक फ्रुक्टोज, ये जो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज में क्या होता है भाई, एक टेस्ट होता है, यानी कि अगर किसी महिला का रेप जब होता है तो ये डॉक्टर कैसे जान लेगा कि इसका रेप हुआ है या नहीं हुआ है ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, फ्रुक्टोज के प्रेजेंस का टेस्ट किया जाता है, यानी फीमेल के वजाइना में अगर फ्रुक्टोज प्रेजेंस है इसका मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ यानी कि रेप हुआ, और अगर फीमेल के वजाइना में फ्रुक्टोज नहीं पाया गया इसका मतलब रेप नहीं हुआ है या सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, सेक्स नहीं हुआ ठीक है। तो अब सवाल यह होता है कि क्या फ्रुक्टोज ह्यूमन बॉडी में फ्रुक्टोज नहीं पाया जाता है, इसे बिल्कुल नहीं होता है, बॉडी के किसी भी भाग में फ्रुक्टोज सिर्फ फ्रुक्टोज प्योर फ्रुक्टोज नहीं पाए जाते हैं। ये जो होते हैं सीमन से ये चला जाता है, कहां पर चला जाता है भाई, सॉरी मेल पेनिस से वजाइना में जाता है, अगर वहां पे फ्रुक्टोज है प्रेजेंस तो फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है। तो ये रेप टेस्ट में यानी फॉरेंसिक साइंस में आपराधिक विज्ञान में जो रेप का जो टेस्ट होता है वो फ्रुक्टोज का ही जांच किया जाता है ओके। चलिए हम लोग आप दूसरे ग्लैंड पर आते हैं, दूसरा ग्लैंड हम लोग का कौन है भाई, प्रोस्टेट ग्लैंड। जब हम लोग फिगर बनाए थे तो ये जो हम लोग का था ये यूरिनरी ब्लैडर था और यहाँ पर इस तरीके से हम लोग बनाए थे, ये याद होगा, ये इजेक्युलेटरी डक्ट है, इधर से ये सेमिनल वेसिकल जो अभी हम लोग पढ़े हैं इस तरह से था। तो ये जो ग्लैंड है ये ग्लैंड ये क्या हो गया भाई, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो मेल जो होते हैं ह्यूमन मेल जो होते हैं इस ह्यूमन मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है भाई, एक होती है ठीक है। ये थोड़ा सा लार्ज ग्लैंड होती है और ये यूरेथ्रा के द्वारा चारों ओर से क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं ठीक है। यहाँ पर पाए जाते हैं ये यूरेथ्रा, ये इसी से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है। प्रोस्टेट ग्लैंड से भी जिस तरीके से हम लोग ये देखे कि सेमिनल वेजिकल थे और सेमिनल वेजिकल से कुछ तरल पदार्थ निकलते थे जो अल्कलाइन मीडियम में था और वो क्या करता था, यूरेथ्रा में जो यूरेथ्रा है उस यूरेथ्रा के अंदर यानी उस यूरेथ्रा में यूरेथ्रा के अंदर जो मूत्र होता है जो एसिडिक बहुत ज्यादा था जो स्पर्म को नष्ट कर देता, जब सेमिनल फ्लूइड वहां पे पहुंचता है क्योंकि ये अल्कलाइन मीडियम में होती है यानी क्षारीय माध्यम में होती है और उसके एसिड को क्षार को क्या करती है भाई, कम कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, शुक्राणु नष्ट नहीं होते। उसी तरीके से ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी होता है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड
से बहुत सारे डक निकलती है, बहुत सारी छोटी 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 नलिकाएं निकलती है। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इससे बहुत सारी छोटी छोटी नलिका निकलती है, और ये सारे नलिका, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से जो नली निकलती है, ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है सपोज, और ये सब नली है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से जो नली निकलती है, ये सारा नली कहां खुलती है भाई, इस यूरेथ्रा में खुलती है, इसमें खुलती है, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड से जो तरल पदार्थ निकलते हैं उसको हम लोग प्रोस्टेटिक फ्लूइड बोल सकते हैं या प्रोस्टेटिक सेक्रेशन कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड से जो पदार्थ निकलते हैं वो थोड़ा मिल्की होते हैं, दूधिया टाइप का, बहुत ही कम क्षारीय होते हैं, स्लाइटली अल्कलाइन। यानी प्रोस्टेट ग्लैंड से जो तरल पदार्थ निकलते हैं वो अल्कलाइन तो होते हैं बट स्लाइटली होते, बहुत कम होते, ठीक है। जबकि सेमिनल वेजिकल से जो निकले थे वो ज्यादा क्या थे, अल्कलाइन थे, लेकिन ये जो होते हैं उससे कम होते, ठीक है, तरल पदार्थ होते हैं। यह सीमन का लगभग 25% भाग बनाता है, सीमन का कितना प्रतिशत भाग, 25%, और उधर कितना था, 60 था सेमिनल वेजिकल में, तो 60 और 25 60 भी 80 5 85, वही लगभग 5% भाग जो होता है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड बनाती, बाकी 10% जो होती है सीमन में स्पर्म पाया जाते हैं। तो आगे हम सारा बात अभी बताएंगे हम आपको। तो ये देखिए सीमन का 25% भाग बनाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड के सेक्रेशन में क्या क्या होते हैं, सैक्टिक एसिड है, और ये क्या होते हैं भाई, स्पर्म न्यूट्रेंट, यानी स्पर्म को पोषण प्रदान करता है। इसमें कुछ एंजाइम है, और वो एंजाइम में कौन कौन है, एसिड फॉस्फेटेज, देखिए सब में एसी लगा हुआ है, जिससे हम लोग एस वर्ड जो होते हैं लगभग एंजाइम का जो लास्ट नेम होता है, कुछ लेटर वहां एसी लगता है, हालांकि सभी एंजाइम में नहीं लगते हैं, लेकिन बहुत सारे एंजाइम में एसी वर्ड आते हैं लास्ट में। एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम, ठीक है, अमाइलेज एंजाइम है, स्टार्च को तोड़ता हुआ पचाता हुआ, पेप्सिनोजेन प्रोटीन को तोड़ने वाला है, कुछ प्रोस्टाग्लैंडीन है इसमें, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड से जो छोटे छोटे डक्ट निकलते हैं, हम आपको यहां पर बता दिए थे, फ्लूइड को प्रोस्टेट ग्लैंड से यूरेथ्रा में कैरी करता है, यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड में जो तरल पदार्थ बना, ठीक है, वो तरल पदार्थ इस प्रोस्टेट ग्लैंड से इस यूरेथ्रा में, तो यहां पर बहुत सारे क्या होते हैं, डक्ट निकलते हैं, इसी डक्ट के सहारे ये यहां पर इसमें आता है। प्रोस्टेटिक सेक्रेशन जो होते हैं, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड से तरल पदार्थ निकलते हैं, स्पर्म को क्या करता है, ये दो चीज याद रखिएगा, एक तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, एक क्या करती है, एक्टिव करती है, स्पर्म को एक्टिव करती है और न्यूट्रिशन देती है, कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड से निकले हुए तरल पदार्थ, ठीक है, पोषण और सक्रियता, ठीक है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, तीसरा ग्लैंड जो है वो है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद पाए जाते हैं, ये जो हुआ ये यूरेथ्रा है और यहां पे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, यूरेथ्रा के दोनों साइड में बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं। इसका मतलब बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की जो संख्या होती है वो कितनी होती है भाई, एक जोड़े होती है, दो ठो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है जो इस यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के राइट साइड में भी होते हैं, यूरेथ्रा के लेफ्ट साइड में भी होते हैं, एक जोड़ा संख्या है। इससे भी अल्कलाइन तरल पदार्थ निकलते हैं, और इधर से जो मूत्र वगैरह गुजरता है वो एसिडिक हो सकता है, तो उसको क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये अल्कलाइन होते हैं, यूरेथ्रा में यूरिन के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। अब बात करेंगे हम लोग सीमन, सीमन है क्या, तो सीमन क्या होता है, गाढ़ा उजला चिपचिपा तरल पदार्थ होती है। एक्चुअली सीमन का जो निर्माण होती है, सीमन में क्या क्या रहती है, आइए हम लोग जानते हैं। देखिए ये हम यहाँ पर सीधा लिखे सीमन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दिल, ठीक है। सीमन में क्या क्या होता है, स्पर्म होते हैं, या इसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं शुक्राणु, ठीक है, और क्या, एसेसरी ग्लैंड फ्लूइड, एसेसरी ग्लैंड फ्लूइड क्या मतलब, एसेसरी जेनिटल ग्लैंड फ्लूइड, यानी एसेसरी ग्लैंड अभी कौन कौन था हम लोग का, तो सेमिनल वेजिकल था, ओके, दूसरा क्या था हम लोग का, प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा क्या था, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, तीनों के तरल पदार्थ, एसेसरी ग्लैंड में यही तीनों था ना, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड सेमिनल वेजिकल से निकले तरल पदार्थ, प्रोस्टेट ग्लैंड से निकले तरल पदार्थ,
और बल्बोयूथरल ग्लैंड या इसको हम लोग कॉबर्स ग्लैंड भी कहते हैं, उससे निकले तरल पदार्थ प्लस कौन चीज शुक्राणु यानी स्पर्म, ये सबको अगर हम लोग मिला देंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सीमन कहते हैं यानी वीरी कहते हैं। ये वीरी कैसा होता है, गाढ़ा होता है, गाढ़ा होगा, उजला होगा, चिपचिपा होता है, ठीक है। इसका जो पीएच मान होता है वो 7.3 होता है, हालांकि हम लोग बोल सकते हैं 7.3 से 7.5 भी हो सकता है, ठीक। नॉर्मल स्पर्म काउंट एक नॉर्मल पर्सन में, एक सामान्य व्यक्ति में, एक सामान्य ह्यूमन मेल कितना स्पर्म होना चाहिए, तो अगर देखिए ये जो सीमन है 1 ml अगर सीमन है उसमें 20 से लेकर के 120 मिलियन स्पर्म रह सकता है, ठीक है, ये नॉर्मल काउंट। और अगर घटता है बढ़ता है तो इससे फिर क्या होगा, इससे कुछ डिजीज वगैरह हो सकते हैं, कुछ एबनॉर्मेलिटी जा सकते हैं, ओलिगो स्पर्मिया, ठीक है। यानी कि अगर 1 ml सीमन में अगर स्पर्म की संख्या 20 मिलियन से कम होती है तब इसको हम लोग ओलिगो स्पर्मिया कहते हैं, डिजीज हो गया। एजो स्पर्मियम क्या होता है, यानी कि स्पर्म जो होते हैं सीमन में चाहे तो बहुत कम होते हैं या लगभग खत्म ही होते हैं, अब्सेंट ही होते, पाए ही नहीं जाते। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के सीमन में स्पर्म नहीं हो तो दैट टाइप्स ऑफ डिजीज इज नॉन एज एजो स्पर्मिया, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस बीमारी को एजो स्पर्मिया कहते हैं, ओके। एक और होता है एस्थेनियो स्पर्मिया, यानी के सीमन में जो स्पर्म है वो कम गतिशील अगर होता है तो फर्टिलाइजेशन जो होती है वो कम चांस हो जाती है, फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा इसकी चांस बहुत कम हो जाती है, ऐसे डिजीज को हम लोग एस्थेनो स्पर्मिया कहते हैं, ठीक है। टेरेटो स्पर्मिया, टेरेटो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, यानी कि शुक्राणु को जो शुक्राणु की जो सामान्य रचना होती है, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है स्पर्म की, वो स्ट्रक्चर ही चेंज कर जाता है, बदल जाता है, ठीक है। तो अगर मान ओलिगो स्पर्मियम क्या होगा, प्रति ml 1 ml में अगर 20 मिलियन से कम है ओलिगो स्पर्मिया। एजो स्पर्मियम क्या होगा, स्पर्म पाया ही नहीं जाएगा या लगभग खत्म। टेरेटो स्पर्मियम है यानी शुक्राणु का स्ट्रक्चर ही परिवर्तन कर जाता है, ठीक है। एक चीज और जानिए, सेमिनल प्लाज्मा हम लोग किसको बोलते हैं, ये भी जान लीजिएगा। सेमिनल प्लाज्मा, देखिए एक सेमिनल जो प्लाज्मा होती है, आप लोग तो उतार लिए होंगे, सेमिनल प्लाज्मा की हम लोग बात करेंगे, सेमिनल प्लाज्मा की। तो सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है, एक बात और जानिए, ये जो सीमन है, सीमन में 10% भाग जो होता है स्पर्म का होता है, नॉर्मल बात कर रहे हैं, स्पर्म का होता है, या ऐसा बोल सकते हैं सीमन में 10% क्या होते हैं, स्पर्म पाए जाते हैं। सेमिनल प्लाज्मा किसको कहते हैं हम लोग, सेमिनल प्लाज्मा, यानी के सीमन जो है, अगर सीमन से स्पर्म को छान कर निकाल दिया जाए, अगर सीमन से स्पर्म को छान कर या फिल्टर कर छान कर अलग कर दिया जाता है, कर दिया जाए तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा, जो बचे भाग होते हैं, तो बचे हुए भाग को सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं, सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। यानी जो सीमन है उस सीमन से स्पर्म को हटा दीजिए,
जो बचा हुआ भाग है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। ओके, थैंक यू, फिर अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे।